पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सरकार के तमाम दावों के बावजूद स्वास्थ्य सेवाओं का हाल ठीक नहीं है। आदिवासी बहुल्य जिले सोनभद्र में महिला को उस वक्त बीच रास्ते में प्रसव करना पड़ा जब उसे एम्बुलेंस समय से नहीं मिली। देखिए रिपोर्ट। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य व्यवस्था लेने के लिए नाकों चने चबाने पड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ग्रामीण जागरूक नहीं है, वे नियमों के तहत टोल फ्री नंबर पर फोन भी कर रहे हैं लेकिन उन्हें सुविधा नहीं मिल पा रही है। सोनभद्र के आदिवासी क्षेत्र बभनी के अरझट गाँव में अपनी मायके आई गर्भवती महिला की जब प्रसव पीड़ा से हालत खराब होने लगी तो परिजनों ने 102 और 108 नंबर पर संपर्क किया लेकिन घंटों बीत जाने के बाद जब कोई नहीं पहुंचा तो हालत बिगड़ती देख परिजन पीड़िता को बाइक से लेकर अस्पताल के लिए निकल पड़े। बबनी अस्पताल से चंद कदम की दूरी पर अचानक तबीयत बिगड़ने पर पीड़ित महिला को परिजनों ने सड़क पर लिटा दिया जिसके बाद परिजन को बीच सड़क पर ही महिला की डिलीवरी करानी पड़ी। हालांकि जच्चा और बच्चा दोनों ही स्वस्थ हैं। बाहर हम अपनी दुकान पर बैठे हुए थे तभी एक मोटरसाइकिल पर दो महिला वहां पर आई। एक पुरुष था जो कि मोटरसाइकिल चला रहा था और वहीं सड़क पर एक महिला गिरकर बेहोश हो गई। पास जाकर हमने पूछा तो पता चला कि वो गर्भवती है और डिलीवरी का मामला है। फिर हम लोगों ने 102 और 108 नंबर को फ़ोन किया लेकिन वहाँ से कोई भी रिस्पांस नहीं मिला। बार बार ये बताया गया कि एम्बुलेंस अभी बिजी हैं, आपको समय लगेगा एम्बुलेंस मिलने में। फिर उस गर्भवती महिला की माँ और रास्ते पर चलती हुई एक दो महिलाओं ने वहीं पर उसका डिलीवरी कराया। उसके बाद भी काफ़ी देर तक हम लोग प्रयास करते रहे कि एम्बुलेंस मिल जाए लेकिन कोई एम्बुलेंस नहीं मिली। तभी थोड़ी देर में वहाँ पर एक एम्बुलेंस जा रही थी जिसको हम लोगों द्वारा रोका गया लेकिन उन्होंने एम्बुलेंस रोका नहीं। फिर डॉक्टर साहब से हम लोगों ने बात की तो डॉक्टर साहब बताए कि नहीं, वो मेवरपुर हॉस्पिटल की एम्बुलेंस है, उसे हम नहीं भेज पाएंगे, कुछ डीजल वीजल का इश्यू होता है। फिर हम लोगों ने आश्वासन दिया कि चलिए जो भी डीजल वगैरह का खर्च होगा हम लोग देंगे। तब फिर एम्बुलेंस भेजी गई जिससे हम लोगों ने उस महिला को हॉस्पिटल भिजवाया। वही महिला के रिश्तेदारों का कहना है कि हमने बहुत प्रयास किए एम्बुलेंस के लिए। वही डॉक्टर से बात करने पर पता चला कि अभी सारी एम्बुलेंस व्यस्त हैं। यही नहीं, रास्ते में जा रही एक एम्बुलेंस को रोका गया और डॉक्टर से बात की गई तो बताया कि वो दूसरे अस्पताल की एम्बुलेंस है, हम उसको नहीं भेज सकते हैं क्योंकि डीजल का मामला होता है। जब डीजल देने की बात कही गई तो अस्पताल से एम्बुलेंस आई और महिला को बबनी अस्पताल ले जाया गया। नहीं, वो बोला कि अभी नहीं बैठा पाएंगे, हम लोग डिलीवरी लेकर जा रहे हैं। वो लोग बोले कि डिलीवरी भी अभी पैदा हो गया बच्चा, उसको भी लेकर जाओ, तो बोल रहे हैं नहीं ले जाएंगे। प्रदेश सरकार कितने भी प्रयास कर ले लेकिन कुछ लोगों की वजह से सरकार के सारे दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। सड़क पर प्रसव की ये तस्वीर अस्पताल प्रशासन की लापरवाही का जीता जागता उदाहरण है। सोनभद्र से रवि पांडे की रिपोर्ट, लाइव टुडे।